नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अगर आपने डीएलएड का एग्जाम दिया था तो अब उसके रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हम आपको लिंक बताते हैं, आप उस लिंक पर जाकर अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। 1,17,037 लोगों को, यानी कि अभ्यर्थियों को, इसमें सफलता मिली है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का रिजल्ट कल यानी कि सोमवार को जारी कर दिया। secondary.biharboardonline.com पर जारी किया है। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा में 1,29,141 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 1,17,037 को सफलता मिली है, यानी कि 84% अभ्यर्थी जो है वो सफल हुए हैं। रिजल्ट का लिंक साझा कर दिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि अब नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। अभ्यर्थी स्कोर कार्ड और अन्य कागजात के आधार पर सत्र 2023-25 के लिए राज्य के डीएलएड संस्थानों में ऑनलाइन आवेदन करेंगे। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 5 से 15 जून तक ली गई थी। रिजल्ट जारी होने के बाद राज्य के तमाम सरकारी और निजी डीएलएड कॉलेज में दाखिला ले पाएंगे। आपको बता दें कि इसी से साथ बिहार के डीएलएड की 30,700 सीटों पर एडमिशन के लिए डीएलएड प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले करीब 2.5 लाख छात्रों का इंतजार खत्म हो गया। बिहार बोर्ड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के नतीजे के साथ ही कट ऑफ भी जारी किए गए, जहां एक तरफ बीएसईबी डीएलएड रिजल्ट 4 स्ट्रीट में आप चेक कर सकते हैं। बिहार बोर्ड डीएलएड वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। होम पेज पर रिजल्ट का टैब जो है वो क्लिक करें। अब डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 रिजल्ट पर क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक करें। छात्र अपना रिजल्ट, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सारी की सूचनाएं जो है वो दर्ज करा कर लॉग इन करें और अपना रिजल्ट वो देख सकते हैं। तो जहां एक तरफ बिहार में जिन्हें शिक्षक बनना था और उसके लिए उन्होंने डीएलएड का एग्जाम दिया था, और अब एग्जाम देने के बाद इनके रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं, जहां इस बार 84.11% स्टूडेंट जो है वो पास आउट हुए हैं, सफल हुए हैं, और अब इनके एडमिशन जो है वो डीएलएड कॉलेज में करवाए जाएंगे। 2023 और 25 तक का इनका जो है वो सेशन चलने वाला है। जहां एक तरफ बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की जो परीक्षा है उसके भी रिजल्ट आज जो है वो जारी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज रिजल्ट जो है वो जारी किए जा सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि उनके आंसर की को जारी कर दिया गया है। वहीं बीते दिन जहां एक तरफ बीपीएससी शिक्षक बहाली परीक्षा के आंसर की जारी किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके भी रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, और अब वो अपने मन पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।